चेंबूर के बीएमसी स्कूल में पढ़ने वाले 17 बच्चे फूड पॉइजन का हुए शिकार, गोवंडी के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट। मैं हूं मुनव्वर शेख और आप देख रहे हैं नुक्कड़ लाइव न्यूज़। कल 13 अक्टूबर को चेंबूर के वाशिना का अनेक गांव में एक बीएमसी स्कूल में 17 बच्चे फूड पॉइजन का शिकार हुए। आरोप है कि खाओ खाने के बाद 17 बच्चे बीमार हो गए, जिनको गोवंडी के शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मिली जानकारी के अनुसार जो खाओ प्रोवाइड किया गया था वो सांताई महिला बजटगढ़ से प्रोवाइड किया था, जिसको खाने के बाद 17 बच्चे जो है गोवंडी के शताब्दी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। इस सारे मामले को लेकर हमारे साथ कुछ वहाँ के जो संस्था है, जो सोशल वर्कर थे, उन्होंने जायज़ा लिया। आइए हम उनसे बात करके जानते हैं क्या है पूरा मामला। मैं आपका मुनव्वर, नुक्कड़ लाइव में आपका स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के चेंबूर शताब्दी हॉस्पिटल के पास, जहाँ पर एक वाशिनाका के एक बीएमसी पब्लिक स्कूल में कुछ 16 से 18 बच्चे को फूड पॉइजन बताया जा रहा है। ऐसे में कुछ हमारे साथ सोशल वर्कर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर में क्या है मामला, जो बीएमसी स्कूल को लेकर आज यहाँ पर जो लोग आए हैं, बच्चों को 17 से 18 बच्चों को जो है फूड पॉइजन बताया जा रहा है, इनके आरोप है। आइए हम बात करते हैं, क्या कहना चाहिए जो आज लोग आप यहाँ पर लोग आए हैं विजिट कर रहे हो, डॉक्टर ने क्या बोला और पेशेंट की क्या हालत थी, 18 बच्चों में से कितने बच्चे अभी तक सही हुए, कितने लोग डिस्चार्ज हुए और क्या है उनकी स्थिति? देखिए, हम लोगों को ऐसा पता चला कल रात को, देर से पता चलने के बाद हम लोग अभी जो हम देख रहे हैं अभी पीछे गवंडी का जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, यहाँ पर हम लोग गए पहले माले पर, जो बच्चे लोग को एडमिट किया है, अभी डिस्चार्ज हुआ है उनका बच्चे लोग का। कितने लोगों का डिस्चार्ज हुआ अभी? बच्चे लोग ऐसा हम लोग को पता चला कि 17 बच्चे लोग हैं, रात को पता चला था कि 13 बच्चे लोग हैं और इधर आने के बाद पता चल रहा है कि टोटल 17 बच्चे लोग हैं। अच्छा, ये कहाँ का पूरा मामला है, कौन सी बीएमसी पब्लिक स्कूल थी, कहाँ की थी? ये वाशिनाका में अनेक गांव म्युनिसिपल स्कूल है, जो शंकर देवल मंदिर के बाजू में है, वहाँ पर ये स्कूल है। अच्छा। और शांताई महिला औद्योगिक संस्था बल्कि उनका एक बचत गट है, उनके माध्यम से वो बच्चों लोग को फूड प्रोवाइड किया जाता है, तो उस फूड में कुछ गड़बड़ था, उसके लिए उन बच्चों को फूड पॉइजन हुआ। तो ऐसा आप श्योरिटी कह सकते हो कि ऐसा फूड पॉइजन हुआ या फिर क्या आरोप लगा रहे हो? नहीं, गारंटीड फूड पॉइजन हुआ है, ऐसा हॉस्पिटल से पता चल रहा है। हम लोगों ने, हमारे टीम ने भी गए थे अपने डीन साहब से मिलने के लिए, तो उनका ऐसा कहना था कि रात को जो शिक्षण मंत्री है दीपक केसरकर जी, वो भी यहाँ पर आके विजिट किए उन्होंने भी, और स्थानीय खासदार है, आमदार है, उन्होंने भी यहाँ पर आके विजिट किया है, तो सही में ऐसा घटना घटित हुआ है। तो भारत देश में एक मुंबई राजधानी कहा जाता है, ऐसे जगह पर ऐसा दुर्घटना अगर होता है तो सरकार के लिए निंदनीय घटना है, शर्मसार कर देने वाली घटना है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर कहीं कहीं 20 बच्चे मर रहे हैं, कहीं 15 बच्चे मर रहे हैं, तो सरकार का ध्यान कहाँ पर है? एक आम व्यक्ति एक मुद्दा उठाता है सरकार के खिलाफ, तो सोई है क्या जनता? सरकार सोई है क्या? क्या जनता का, जो लोगों का जो जान है, इतनी सस्ती हो चुकी है क्या? कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है, लोग मर रहे हैं, सरकारी अस्पताल में सुख सुविधा सही तरह से नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हो कि स्कूल में जो बच्चों का जो खाना मिलता है, जो टिफ़िन आता है जो संस्था के माध्यम से, उस टिफ़िन को छानबीन होता है क्या? जांच पड़ताल होने के बाद बच्चों लोग को प्रोवाइड किया जाता है क्या? अच्छा, तो ये सारा चीज़ का छानबीन होना चाहिए। ये बहुत अच्छा बात है कि बच्चों लोगों को कुछ हुआ नहीं है, बच्चों लोग ठीक है, उनके मम्मी पापा से भी हम लोग ने बात किया है। हम लोग यही मांग करते हैं सरकार से कि जो कोई आरोपी है उनके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए, और आगे हमारे जो वरिष्ठ हैं उनसे बात कीजिएगा। अच्छा सर, अभी तक एफ आई आर हो गया है उधर। हमने फूड ऑफिसर हमको मिले ऊपर, तो उन्होंने कहा कि FIR हो चुका है, और जो संस्था है अपना, ये क्या बोलते हैं उसको, शांताई महिला उद्योग संस्था जो है, उनका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी उन्होंने कहा है हमको, और लेटर भी दे चुके हैं। तो हम अभी, हमारा टीम जो है मिलके अभी महानगर पालिका वार्ड ऑफिसर से भी मिलने वाले हैं, पुलिस स्टेशन आ जाकर सीनियर साहब से भी मिलने वाले हैं, और वो लाइसेंस कैंसिल जल्दी से जल्द कैंसिल हो जाए, और उनको इसके बाद किधर भी उनके उनका काम का चालू नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम उधर जाके बात करने वाले हैं। अच्छा, क्या कहना चाहिए इसमें, ये इस सब सारे मामले में जो बताया जा रहा है कि फूड पॉइजन को लेकर, क्या पहले फूड पॉइजन को लेकर
पहले उनकी चेकिंग हुई जाती है या फिर डायरेक्टली ऐसे ही खाना दिया जाता है वो भी बच्चों को? और सबसे बड़ा सवाल ये कि BMC स्कूल में ऐसी हालत, तो क्या कहना चाहिए इसके बारे में, किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, पहले तो आज हम बहुत सारे न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, वो सारे न्यूज़ चैनल में आज बहुत सारे लोग हैं जो BMC स्कूल बंद कराने के पीछे पड़े। मैं तो पहला उन्हीं लोगों को आरोप करता हूँ कि ये सब कहीं ना कहीं उस लेवल तक जाने का ये तैयारी चल रही है उनकी। रही बात कि जो BMC में जो फूड आते हैं उसकी चेकिंग के बारे में, देखिए अगर उसकी चेकिंग हुई रहती जैसे हमारे भाई ने कहा तो ये फूड पॉइजनिंग का मामला आता ही नहीं। और ये 100% फूड पॉइजनिंग है, जो कहा यहाँ के खुद जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने बताया हुआ है। तो बात यहाँ पर BMC स्कूलों की है जो ऐसे लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट देते क्यों है जिनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि BMC आज क्यों इतने मतलब बोलेंगे ना निग्लेशियंस है कि वो कोई भी चीज़ पे अपना कंट्रोल नहीं कर पे, तो ये फिर हॉस्पिटल आ गया, ये स्कूल आ गए, हर जगह पे अगर उन्होंने अपना अपना एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे अगर तैनात कर दिया तो ये सब प्रॉब्लम को फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं सही में मेरी संस्था की तरफ से मैं निंदा करता हूँ इस चीज़ की जो हुआ है। आगे जाके मैं सरकार को यही कहूँगा कि इसके ऊपर एक कमेटी गठन किया जाए और कमेटी गठन करने के बाद हर एक स्कूलों में एक एक रिप्रेजेंटेटिव रखा जाए कि इसके ऊपर ये सारी चीज़ों के ऊपर लोग ध्यान रख के, और इसके आगे की कार्रवाई यहाँ पर रुकेगी नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक स्कूल का मामला नहीं, कितने सारे स्कूल के मामले होंगे जो अभी तक इन्होंने बाहर नहीं लाए, क्योंकि कल रात को जब ये हुआ हम यहीं पर रहते हैं लेकिन ये किसी को मालूम नहीं पड़ा। सुबह आने के बाद हमारे दोस्त के थ्रू हमें मालूम पड़ा ये चीज़ और हम लोग यहाँ पर आए। अदरवाइज देखिए इन लोग सब मामला ढकने के पीछे है, लेकिन ये मैं आपको रोना चाहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर उनको डिस्चार्ज भी दे दिया गया या उनकी पूरी जो है उनको जो सुविधा जो होती है एडमिट करने के बाद में उनकी जो पूरी जो रिपोर्ट होती है सारी चीज़ें चेक करने के बाद उनको डिस्चार्ज दे दिया गया या IC दिया गया? देखिए बात ये है, ये सवाल बहुत बड़ा है। मैं तो बोलता हूँ सबसे पहले यही सवाल चलाना चाहिए क्योंकि तुमने कल रात को बच्चों को एडमिट किया, बच्चे फूड पॉइजनिंग के लाए, तुमने MLC रजिस्ट्रेशन किया हुआ है पुलिस चौकी का, उसके ऊपर चेकिंग चालू है, तुमने जो फूड आया हुआ है उसका चेकिंग के लिए वो भी भेजा हुआ है, उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, तो आपने किस बिना पे उन बच्चों को वो यहाँ से डिस्चार्ज करवाया? ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है एक्चुअली, क्योंकि अगर रिपोर्ट में सही में कुछ गलत आया, कुछ या फूड पॉइजनिंग में जो पॉइजन गया वो कुछ अलग ही तरीके का रहेगा तो आपके वो बच्चों को फिर से यहाँ पे बुलाएंगे, या बच्चे घर जाने के बाद उनके ऊपर कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन? तो सच में एक बड़ा मुद्दा है ये। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुद्दे को जो है दबाया जा रहा है? 100% दबाया जा रहा है, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि कल रात को ये मुद्दा हुआ है और स्थानीय लोगों को ही सुबह मालूम पड़ रहा है, तो इसका मतलब रात ही में अगर दीपक केसरकर जी आते हैं यहाँ पे बड़े आमदार, यहाँ के खासदार लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं ये दबाने का ही मामला चल रहा है। कौन से पुलिस स्टेशन में अभी तक FIR किया गया है? जैसे में हमने इंक्वायरी किया भाई साहब से तो RCF का ये मामला है, RCF पुलिस चौकी में जो संबंधित स्कूल थे उन्होंने शायद यहाँ पे FIR किया हुआ है। इसके आगे का क्या मामला, इसके आगे का कौन सा कदम उठाओगे जो इंसाफ मिल सके बच्चों को? इसके आगे का कदम अभी जो भी उनका सैंपल जो निकाल के जो फॉरेंसिक लैब में जो भेजा है उसके ऊपर देखते क्या हो चुका है। अगर फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट 2 दिन में नहीं आता है, क्योंकि डीन साहब ने तो बोला 2-3 दिन में रिपोर्ट आना चाहिए, तो रिपोर्ट आने से पहले तुम डिस्चार्ज कैसा कर रहे हो? घर पे जाने के बाद बच्चों को कुछ कम ज़्यादा होता है तो उसके जिम्मेदार कौन रहेंगे? इसका पूरा जवाब डीन साहब को देना पड़ेगा। अच्छा, आपने पेशेंट से बात किया था, उनके जो मॉम डैड जो थे बच्चों के, तो क्या उन्होंने कहा? नहीं, हमने पेशेंट से बात नहीं किया, उनके जो मम्मी पापा थे उनसे हम लोगों ने बात किया, तो उनका ऐसा कहना था जैसा रेगुलर जैसा हम लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं वैसा हमने बच्चों लोग को स्कूल भेजा। उनके बाद स्कूल से हम लोग को पता चलता है कि आपके बच्चों लोग उल्टी कर रहे हैं यहाँ पे स्कूल में, तो आप लोग हम लोग स्कूल के तरफ से हम लोग अस्पताल लेके जा रहे हैं सताब्जी अस्पताल, तो आप लोग भी वहाँ पर पहुँचिए। तो जितने बच्चों लोग को यहाँ पर लाया गया था तो उसके पीछे पीछे परिवार के लोग भी आए, और जब से वो लोग यहाँ पर है तो हमने पूछा उनको कि समझो सरकारी अस्पताल का रूल्स ऐसा रहता है कि बड़े बड़े जो महंगे जो दवाई रहते हैं वो महंगा दवाई वो लोग बाहर से लिख के देते हैं, तो वैसा ना होते हुए जो भी मेडिसिन से संबंधित जो भी है आप लोग पूरा खर्चा उठाना चाहिए। ऐसे हमने डीन साहब से बात किया तो वो बोले कि नहीं, हम लोग टोटल खर्चा सरकार की तरफ से यहाँ पर उनको किया जाएगा, क्योंकि गलती सरकार की है तो सरकार को ही पूरा खर्चा उठाना पड़ेगा, ऐसा हमारा वहाँ पर उनका बोलना था। अच्छा विजय भाई, एक बात है कि इसमें खर्चे की बात आ गई, एक बच्चे की जान चली जाती इसमें फूड पॉइजन में, तो वो खर्चा रहता है या फिर इनकी जो सोच है वो डुबाई जा रही है? मैं तो यही कहता हूँ जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये खर्चा और ये जो ये ना ये बहुत गलत चीज़ है ये।
अरे हमारा बच्चा अगर ये फूड पॉइजन की वजह से मर जाएगा तो कितना पैसा आप दोगे वो उनका आंसू पोंछने के लिए। तो उसके पहले ही अगर आप प्रिकॉशन लेंगे उस चीज़ के बारे में, जैसे मैंने कहा एक समिति गठन किया जाए हर BMC हॉस्पिटल के लिए, हर BMC स्कूलों के लिए, तो फिर ये जो वाक्य जो हो रही है, ये वाक्य होंगे ही नहीं, तो फिर सरकार को खर्चा करने की ज़रूरत क्या है, ऐसा मुझे लगता है। आप क्या, आप मतलब इस जो हादसा हुआ ये, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस हादसे के बारे में बोलना चाहता हूँ कि शिवाजी नगर विधानसभा में यह शताब्दी हॉस्पिटल आता है, वो डीन से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ के जो मुंबई के जो पालक मंत्री दीपक केसकर और शिक्षण मंत्री जो है उनसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि ये जो 16 साल के जो बच्चे दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उनको फूड पॉइजन हुआ ऐसा हमको पता चला, हमारे भाई साहब से भीमार्मी के माध्यम के जो तालुका प्रमुख सूरज धाड़ी है उन्होंने कॉन्टेक्ट से हमको बताया गया, तब आने के बाद देख रहा हूँ तो ये बच्चों लोगों को डिस्चार्ज दिया गया होता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विजय भाई ने अभी जो बोला था कि एकता इंजो के जो संस्थापक है उन्होंने बोला था कि कुछ समिति गठित होने के बाद या ऐसे जो प्रकार हो रहे हैं ये होना नहीं चाहिए, तो इसकी जिम्मेदारी कौन है? आप खर्चा दे रहे हो उनको, आप भरपाई दे रहे हो, ये इसका रीज़न नहीं। इसका रीज़न है कि ऐसे नांदेड़ में भी प्रकरण हो गए, ठाणे जिले में जो मुख्यमंत्री है उनके जिले में भी 18 बच्चे हो गए थे, संभाजीनगर में उधर भी हो गए थे, हल्ली में अभी उधर के जो डीन है नांदेड़ में उधर तो उधर के जो खासदार ने तो वो डीन को IS को भी उधर मतलब टॉयलेट साफ करने के लिए बोले। तो इसका रीज़न ये नहीं होता है, जनता आक्रोश हो चुकी है, इसके ऊपर कोई ना कोई इन लोगों ने कोई समिति गठित करके इसका निवारण करना चाहिए। देखा आपने, हमने बात किया आज कुछ सोशल वर्कर से, उन्होंने भी कहा कि हमने यहाँ पर आके विज़िट किए थे जो शताब्दी हॉस्पिटल जो है चेंबूर के, वहाँ पर आके उन्होंने विज़िट किए और पता चला है कि 17 से 18 जो बच्चे थे उनको फूड पॉइजन हुआ है, ऐसा उनका कहना है, और उनमें से सारे लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया, सिर्फ एक बच्ची जो है जिसका जिनकी जो उम्र है वो 9 साल की उम्र बताई जा रही है, उनको भी शायद डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। और ऐसे में सारे लोगों का आरोप है, देखते हैं कि इसमें प्रशासन और जो डिपार्टमेंट है क्या इस पर एक्शन करता। मैं मुनव्वर, नुक्कड़ लाइव से मुंबई, कैमरामैन शाहरुख खान के साथ।